राजस्थान इस मर्दों के प्रदेश में महिलाओं की और वीरांगनाओं की दबंग आवाज बनकर गूंज रही हूं। मेरा दोष क्या है? मेरा दोष क्या है? मेरा दोष क्या है? मेरी वारदात क्या है? मेरी वारदात कुछ भी नहीं, मेरी वारदात कुछ भी नहीं। सब बजा लेंगे आप नहीं बोले। मेरी वारदात कुछ भी नहीं। हाँ हाँ थी। नहीं नहीं मेरी वारदात कुछ भी नहीं। नहीं नहीं हाँ हाँ थी। मैं पार्टी के प्रति फरमा बरदार थी। मंत्री महोदय आलाकमान को भी चुनौती दे सकते हैं, मैं तो छोटी सी कार्यकर्ता हूं, बावफा फरमा बरदार हूं अपने दल के प्रति। मुझे इस दो दिन के घटनाक्रम पे अफसोस होता है और मैं कह देना चाहती हूं, क्या पता एक रवैया शायद उन्होंने सोच लिया हो कि हम तो डूबेंगे जो डूबेंगे सनम तुमको भी साथ लेकर जाएंगे। तो मैं नहीं डूबूंगी, मैं तो पहले भी नहीं आई थी। राठौर साहब ने बिल्कुल कर दिया। मैं तो रंधावा जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो रिट्रैक्ट कराए सारे इस्तीफे, नहीं तो आज मंजर कहीं कुछ और होता। मैं तो उस वक्त भी साथ में नहीं थी। गुर्जर कितनी दिल की गहराइयों से आपको चाहते हैं ये सर्वविदित है। मीना समाज के कद्दावर नेता को आप आतंकी की समान उपाधि देते हैं। जाट समाज की बेटी मंजू को नाते के नाम से लेकर आप चरित्र हनन करते हैं। ये तीनों गुर्जर मीना और जाट खेतियार हैं और कांग्रेस के मूल वोट बैंक हैं। 45% से ज्यादा राजस्थान में इसका हिस्सा है। गजब की सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं और 6 महीने बाद हम चुनाव में जाना चाहते हैं। यहां सितमगरी के तरीके सिखाए जाते हैं, यहां सितमगरी के तरीके सिखाए जाते हैं। निगाहें उठती नहीं, खम उठाए जाते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि दिस रिवेंजफुल एटीट्यूड, क्योंकि मैंने आपके आतंकी की उस उपाधि की और नाते की उस वक्तव्य की निंदा करी तो वहां पर JDC मेरे ओसिया की 44 सड़कों को रातों रात मना कर देता है। दिस पॉलिटिकल रिवेंजफुल एटीट्यूड, लेट द राजस्थान सी इट, कि अगर मैं सही पर सही खड़ी होकर अपने दल के लिए, अपने समाज के लिए, मंजू जाट हमारे समाज का गौरव है, वो वीरांगना। अभी जाट महाकुंभ हुआ था, नहीं सुनेंगे हम इस तरीके की प्रथा। ये सुनने के लिए हम उच्च स्तर के सदन के अंदर नहीं खड़े हुए। आप हमारी पार्टी से हो सकते हैं और ये सरकार का वक्तव्य नहीं था। सरकार का वक्तव्य इतना था कि कब कब FIR हुई और कब कब हमने अरेस्ट किया। और मैं इस बात का मुख्यमंत्री जी के इस बात का समर्थन करती हूं कि हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। उसका कारण है कि अगर हमने परिवार के बाहर नौकरी दी तो जो हमारा पीछे रूरल बैकग्राउंड है उसके अंदर हो सकता है कि पियर में ब्लैकमेल कर ले के जाइए तुम नौकरी लेके आइए किसी की, नहीं तो हम घर में नहीं रखेंगे। इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल अगेंस्ट दीज वुमेन। इसलिए हमें परिवार के बाहर नौकरी नहीं देनी चाहिए। वो बच्चे शहीद के बच्चे डॉक्टर इंजीनियर IAS बनने चाहिए, लेकिन किसी कारण अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और वो उच्च पदों के उच्च पढ़ाई नहीं ले पाए तो वो नौकरी उसके लिए रिजर्व होनी चाहिए। ये कहकर आप मत टालिए कि वो नाते में गई और आपने कभी देवर को दिया है क्या। मत करिए इस तरीके से चरित्र हनन। आपने सरकार का, रुकिए मैं फिनिश कर रही हूँ, ये सरकार का वक्तव्य मैं से अग्री करती हूँ, लेकिन आपने वक्तव्य को कैसे पेश किया। आप कहिए कि उन्होंने मैन हैंडलिंग हुई, कांच फोड़े, ये किए, आतंकी के समान कैसे कह देंगे। और उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई कि आपने पहले उनके नेता को कहा और दूसरे दिन उन्होंने हमारे प्रभारी को आतंकी कह दिया। ये कौन सा उदाहरण हम सेट करेंगे। मैं अर्थ में इतना ही कहना चाहती हूं कि मैं मुख्यमंत्री से अर्ज करूंगी कि यकायक जो 44 रोड़ों को रोक दिया गया है उसमें आप सीरियसली इंटरवीन करिए। और मंत्री जी क्योंकि आजकल जिद पे आ जाते हैं और उनकी जिद सबसे बड़ी होती है, उसके आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। वो अगर जिद पे अड़ गए और ये रहा कि हम ये 44 सड़कें ओसिया में नहीं देंगे तो मैं इन्हीं वीरांगनाओं की तरह मुंह में घास लेकर ओसिया की जनता के लिए धरने में बैठूंगी। आप में दम है तो 3 बजे उठा लेना मेरे को। मेरे खूने आरजू को वो समझ रहे हैं पानी, मेरे खूने आरजू को वो समझ रहे हैं पानी। मेरी रोड़े रोक कर नहीं कर मेरा हाथ मरोड़ पाएंगे आप। मैं सही के लिए खड़ी हूं उन जनप्रतिनिधियों से और कभी उसमें मेरे को गुरेज नहीं हुआ है। 6 महीने की अवधि है, हम सब चुनाव में जा रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री है इनके पास, जिस कलम से दस्तखत करते हैं इस पे इतना मत इतराइए। ये भी उधार की है, ये भी उधार की है। और ऐसे दरिया तो बहुत चढ़कर उतर जाते हैं। धन्यवाद। जो शब्द